गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी करने में बिल्कुल पूरे मन से जुटे हुए होंगे। तो चलिए, ये सुबह का समय है, बिल्कुल ताजा ताजा सब लोग बिल्कुल फ्रेश है ना। माइंड भी आप सब सभी का फ्रेश है, बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पर बुद्धि का पार्ट टू रहेगा, ठीक है। जैसे कल हमने पार्ट वन किया था, आज हम पार्ट टू करेंगे। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थर्स्टन का, ठीक है, एस्टनबर्ग का, सभी है तो एमसीक्यू, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको सारे एमसीक्यू, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहे। अब पहला आपका जो दायित्व है, वो मैं बार बार कहती हूँ, कल हमारा जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया था। आज का टारगेट अपना 100+ का रहेगा, तो आई होप ये टारगेट आप सभी कंप्लीट करेंगे, मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे और खुद की भी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सब कुछ क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार सब कुछ क्लियर है तो भाई एक बार थम्स अप दिखा दीजिए सभी फ्रेंड्स। जय हिंद। चलिए, देखिए आप लोगों के लिए संडे तक भी यहाँ पर फ्री नहीं हो रहे हैं, सभी लोग क्लास आपके कंटिन्यू कराई जा रही है, तो यार इतना तो बनता है। एक दिन भी छुट्टी मैं नहीं ले रही हूँ आप सभी के लिए, तो बिल्कुल इतना जरूर बनता है कि आज हम 100+ लाइव यहाँ पर फ्रेंड्स जोड़ेंगे, ठीक है भाई। ओके, एक मिनट का वेट कर लेते हैं तो आपके सभी फ्रेंड्स ग्रुप भी इसमें जुड़ पाए, ठीक है। चूंकि ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि एक घर दो घर तक रह जाए, घर के कोने कोने तक, उन महिलाओं तक, उन पुरुषों तक जाए जो जो क्लास को परचेस नहीं कर पाते हैं। सिर्फ ये आपके एमसीक्यू नहीं होते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं ऐड करके आपको देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेहनत करती हूँ लोगों तक पहुंचे, लोग जिनकी जरूरतें हैं उनकी जरूरतें पूरी हों, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल चलिए हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका ये सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जो क्लास में नए होंगे। इसका ऐप भी है, हमारा ऐप भी है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो आपको ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सारे साहित्य का विस्तार, जैसे आप कहते हैं ना कि हमें कॉन्सेप्ट क्लास कहाँ कहाँ पर मिलेगी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास इस सेल्फ स्टडी ऐप पर आपको मिलेगी। तो आपको इंस्टॉल कीजिए और सारे साहित्य, चाहे आप पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी या फिर सुपर टेट, किसी भी टेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग विस्तार से हिंदी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, चलिए, तो चलिए आज बिल्कुल पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए पूरे जोशों से, और आई होप आज आप किसी गलत नहीं होगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 में सभी के 20 नंबर आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज हम यहाँ पर 100+ भाई सभी लोग बताएं कमेंट करके, मैं नहीं लिख रही हूँ, सभी लोग बताएं कि आज हम यहाँ पर कितने फ्रेंड्स एक साथ लाइव पढ़ने वाले हैं, या आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगी, आप सभी बताएंगे, और एक दूसरे को बता दीजिए कि भाई हम इतने फ्रेंड्स साथ में पढ़ेंगे। अपने टारगेट को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो व्यक्ति अपना टारगेट बनाता है कंप्लीट वही करता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, आप सभी करेंगे। तो आप सभी बताइए, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत, बेशक, है ना। चलिए, तो आप लोग खुद ही बताइए कि आज हमें कितने फ्रेंड्स साथ में पढ़ना है, मैं नहीं बताऊंगी, आप सब बताइए, क्योंकि आप लोगों की भी इच्छाएं होनी चाहिए यार, इतने साथ मतलब कि 40-50 पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइए संख्या को, तो थोड़ा उत्साह मेरे मन में भी आएगा और आप लोग को पढ़ने में, क्योंकि जितना ज्यादा साथी आपके रहेंगे उतना ही कॉम्पिटिशन आपका बढ़ता रहेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो आपको पढ़ने में भी और भी उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है भाई। ओके, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर आप लोग को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। तीसरी चीज, अगर यहाँ पर आपको, कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा तो मैं थोड़ा सा हाइड हो जाया करूंगी, तो आप लोग देख लिया करिए क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है, आलोचना, यह कथन किस किस
वैज्ञानिक का है, स्पीयरमैन का है, थॉर्नडाइक का है, रायबर्न का है, या फिर अल्फ्रेड विनी का है। देखिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टेट एग्जाम की, चाहे हम नेट की कर रहे हो, जेआरएफ की कर रहे हो, जिसमें भी साइकोलॉजी आती है, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। दूसरी चीज, मैं जो डेफिनेशन लेकर आई हूँ आप लोग को ठीक भी बताऊंगी, आप लोग को ये डेफिनेशन भूलेगी भी नहीं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वेल बिल्कुल देखिए, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे साथियों का डी आ रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अल्फ्रेड बिने ही होगा। क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, अल्फ्रेड बिने होगा। ठीक है भाई, ओके चलिए। तो क्या बिने ने क्या कहा बेसिकली, हम थोड़ा सा जान मैंने तो शेयर कर दिया मैम जी, बिल्कुल। तो देखिए अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं, आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है कि बिने क्या कहते हैं कि चार शब्दों में। देखिए बिने जी क्या कहते, बिने तो दो वर्ड है टोटल, है ना, एक और ये दो वर्ड है, लेकिन उन्होंने बात किसने की है, जितने दो है दो से आप मल्टीप्लाई करोगे दो दूनी चार कर दोगे, तो यहाँ पर वो बात कितने, चार शब्दों की बात किया है। कौन बात किए है, बिने, बिने दो शब्द से बना हुआ है, और अगर हम दो शब्द बात करें दो दूनी चार मल्टीपल करेंगे, आप ट्रिक थोड़ी सी आसान, मतलब कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो अगर याद नहीं आता तो ऐसा नहीं कहते कि यही ट्रिक से आप आगे काम करिए, आपको बाकी जैसा स्वयं की ट्रिक बनाई हुई और भी अच्छी होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दो दूनी चार करोगे तो चार शब्दों की बात किसने किए हैं, बिने जी ने किए हैं। तो सभी को क्लियर हुआ भाई, सभी चीजें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है भाई, ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल 100 प्लस आज होने चाहिए भाई, आज 100 प्लस यहाँ पर टारगेट लाइव फ्रेंड्स के होने चाहिए, आप लोग 30 हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत हमने कल पढ़ा है, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है, ठीक है, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में जो बताया, आठ प्रकार जो बताए हैं गार्डनर जी ने, उन सभी की डिटेल मैंने कर चर्चा की है। तो बताइए एयरफोर्स पायलट बनने के लिए यहाँ पर कौन सी बुद्धि का विकास होना जरूरी है गार्डनर जी के अनुसार, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पहला अंतरा व्यक्तिगत होगा, या अंतर व्यक्तिगत होगा, या भाषिक होगा, या गतिक होगा, आंसर सभी बताएंगे क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। गुड मॉर्निंग सभी को, बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, क्या हो जाएगा, बहुत सारे साथियों को बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, एयरफोर्स की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब साथी आंसर तो आ रहे हैं लेकिन उतना अपेक्षित आंसर नहीं आ रहे हैं, किसी के बी आ रहे हैं, बी बी बस कंटिन्यू आ जा रहे। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन से बुद्धि की आवश्यकता होती है, डी आंसर है, जिनका डी आया बहुत सही आंसर है, गति। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शारीरिक गति किसको बोलते हैं, शारीरिक गति, शारीरिक गति में क्या होता है, कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा गति की बात आ रही है, शारीरिक की बात आ रही है, मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज है ना, आपका जो बॉडी मूवमेंट है उससे रिलेटेड कोई ना कोई बुद्धि की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप एयरफोर्स पायलट हो भाई, हाथ पैर तो चलाओ तो थोड़ी बहुत तो हाथ, मतलब कि जो भी सीट पकड़ो, मतलब जो भी काम आप करोगे पायलट के लिए, पायलट जो भी काम करता है तो कहीं ना कहीं हाथ का उसका मूवमेंट तो होता ही है, होता ही नहीं होता है, तो बेसक ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ चीजें कि नहीं हुआ। अंतर व्यक्तिगत में क्या करते हैं, अंतर व्यक्ति में सभी बताएं क्या करेंगे, ओके चलिए दूसरों के मनोभावों को जानते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि संवेगात्मक बुद्धि, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अस्तित्व परक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मक बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि, या फिर चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित होती है, सभी को आंसर करना है। कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, कोई बात नहीं, सीखेंगे हम और बहुत अच्छा सीखेंगे कॉन्सेप्ट, ताकि आपको हमेशा याद रहे चीजें। देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग बी बी आंसर आ रहे हैं,
बिल्कुल 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 लगातार आंसर आ रहे हैं। और यार एक चीज तो गलत हो रहा है, अभी भी क्लास में संख्या बहुत कम है, क्लास में संख्या आप लोग की बहुत कम है भाई। 100+ आप टारगेट रखना है अपने 20 क्वेश्चन के अंतर्गत, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं कंटेंट लेकर के आऊं और वो कंटेंट जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है भाई। तो ये गलत बात है, ये फिर गलत बात है, अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना तो फिर मेरे साथ गलत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैं तो आपके साथ नहीं कर रही हूँ, मैं संडे तक तो आपको क्लास देने के लिए रेडी हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपका कहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट मतलब कंटिन्यूसी आपकी ना बिगड़े, ठीक है भाई। तो ये गलत बात है अगर आप सपोर्ट मेरा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए संवेगात्मक का मतलब ये है कि जो व्यक्ति क्या करता है अपने संवेगों को, अपने संवेगों में क्या करता है, नियंत्रण करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहलाता है। वैसे जैसे नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी स्वयं की बुद्धि से वो मतलब अपने संवेगों को, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको नियंत्रण कर पाते हैं। ऐसे लोग क्या एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया है कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि का विकास होता है, तो यहाँ पर आपने गतिक बुद्धि देखी थी। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि वाले व्यक्ति कौन से होते हैं, तो आपको आंसर करना है जैसे योगी हो गए, है ना, जैसे योगी हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए, ये लोग क्या करते हैं अपनी जो संवेग होते हैं, नियंत्रण होते, गुस्सा होता है उनको काबू पा लेते हैं ये लोग। हर कोई नहीं पाता है, बहुत ही कम लोग ऐसे दुनिया में पाए जाते हैं जो अपने संवेगों को अपने नियंत्रण में रख लेते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सभी को, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। कि निम्न में से कौन सा एस्टनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, आंसर सभी को करना है। कौन सा एस्टनबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, व्यवहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधन पूर्ण बुद्धि है, या फिर गणितीय बुद्धि है, आंसर सभी को करना है। एस्टनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, एस्टनबर्ग जी ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, आंसर सभी को करना है, क्या होगा राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जो बात कही है एस्टनबर्ग जी ने, तीन प्रकार की उन्होंने बुद्धि की बात कही है, ठीक है भाई, ओके। चलिए पहली कौन सी बात कही है उन्होंने, संदर्भात्मक, उन्होंने बात अगर कही है व्यवहारिक बुद्धि की, ठीक है, कौन से बात उन्होंने कही है, व्यवहारिक बुद्धि की। तो हम पहले तीनों प्रकार जान लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात कौन कहा है, एस्टनबर्ग जी ने कहा है। इस बुद्धि को उन्होंने और भी किस नाम से कहा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाए घटकी बुद्धि भी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घटकी बुद्धि। अब दूसरा प्रकार उन्होंने कौन सा बताया एस्टनबर्ग जी ने, उन्होंने सृजनात्मक बुद्धि बताया है, नोट कर लीजिएगा, आपको नोट करना होगा। दूसरा सृजनात्मक बुद्धि, इसको और किस नाम से जानते हैं, सृजनात्मक बुद्धि को अनुभव जन्य बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, अनुभव जन्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। तीसरा कौन सा प्रकार बताया है उन्होंने, तीसरा प्रकार कौन सा बताया है, व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को और किस नाम से जानते हैं, संदर्भात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। देखिए बताया तो उन्होंने तीन प्रकार है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने किस पर दी है, व्यवहारिक बुद्धि पर दी है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति में क्या होता है, व्यवहारिक बुद्धि अधिक पाई जाती है, उस बुद्धि का, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई दोस्त है, उससे अगर आपका व्यवहार उसका अच्छा है आपके प्रति, तो आप जान सकते हो कि आने वाले समय में ये हमारे साथ दोस्ती कैसे रख सकता है, ये कैसा इंसान हो सकता है, अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता, आगे का इसका विकास उसका व्यवहार ही बता देता है। इसलिए एस्टनबर्ग जी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस व्यवहारिक बुद्धि को दिया है, ठीक है। प्रकार तो उन्होंने तीनों बताए, उन्हीं के बताए हुए हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस व्यवहारिक बुद्धि का कहना है उनका, कि ये बुद्धि अगर जिस भी व्यक्ति में होती है उसके आने वाले भविष्य की हम कामना कर सकते हैं, जान सकते हैं, है ना, विरोधाभास कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा निकल सकता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस व्यवहारिक बुद्धि को दिया गया है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सभी को, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है,
थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या फिर समूह कारक? सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल सभी बताएं, बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत के लिए, द्विकारक सिद्धांत के लिए, बहुकारक सिद्धांत के लिए। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स, क्या होगा? चलिए डी डी ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने जी ने दिया है, साइमन बिने ने दिया। एक कारक सिद्धांत, उनका कहना है कि बुद्धि एक प्रकार की होती है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन जी ने दिया है, स्पीयरमैन जी ने। कौन कौन सी बुद्धि बताई उन्होंने? एक जी फैक्टर बताया है, एक एस फैक्टर। जी फैक्टर में उनका बताया कि जी फैक्टर का मतलब जनरल, जनरल मतलब की जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि बताई है। सामान्य बुद्धि में कि हर एक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जो होती है जी प्रकार की, ये हर एक व्यक्ति में होती है। और जो एस्पेसिफिक होती है ये हर एक में नहीं। जैसे मान लीजिए एस्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट बुद्धि, बुद्धि जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ आती है तो जरूरी नहीं आपके भाई को भी मैथ आती होगी। मतलब आप मान लीजिए आप मैथ के लिए जाने जाते हैं तो आपका भाई इंग्लिश के लिए जाना जाता है। जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्टों के लिए आप ही विद्वान माने जाएंगे। आप किसी विशिष्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जो ज्यादा उसमें कमांड होगा आपका, तो वो आपको क्या कहलाएगा? एस्पेसिफिक यानी विशिष्ट बुद्धि आपकी कहलाएगी। तो दो प्रकार की उन्होंने बताई है स्पीयरमैन जी ने। जी को उन्होंने बताया कि अनुवांशिक जेनेटिक्स होती है, और एस को उन्होंने बताया है कि अनुभवजन होती है, एक्वायर होती है। जितना ज्यादा आप अर्जन करते जाओगे वो आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? समूह कारक की बात कौन करता है, बहु कारक की बात कौन करता है? यहाँ पर थॉर्नडाइक जी करते हैं, और समूह कारक की बात हमारे थर्स्टन जी करते हैं। तो क्लियर हुआ थर्स्टन जी ने, इन्होंने सात प्रकार बुद्धि के बताए हैं। बुद्धि कितने प्रकार बताए हैं? सात प्रकार के। अब कौन कौन से बताए हम ये भी जान लेते हैं। अगर आपको ज्यादा बोर तो नहीं लग रहे तो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए नहीं बता रही, इसलिए बता रही कि आप अगर चीजों को नहीं पढ़े हो तो इन चीजों को आप ध्यान जरूर दे लीजिए। ठीक, चलिए मैं आपको सात प्रकार बता देती हूँ थर्स्टन जी के, जो इन्होंने बताए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को? चलिए बता देती हूँ मैं आपको, एक सेकंड। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, पहला कौन सा इन्होंने बताया? शाब्दिक। पहला कौन सा बताया इन्होंने? शाब्दिक प्रकार बताया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, पहला है शाब्दिक, दूसरा कौन सा है? शाब्दिक बुद्धि पहले बताई है, दूसरी कौन सी बुद्धि? शब्द प्रवाह। तीसरी कौन सी बुद्धि उन्होंने बताई है? दैहिक क्षमता। इसी को आप क्या कहते हो? आप स्थैतिक कहते हो। दैशिक को ही क्या कहते हो? स्थैतिक भी कहते हो, स्थानिक भी कहते हो। चौथा कौन सा है? आंकिक क्षमता। चौथा कौन सा प्रकार बताया? आंकिक क्षमता। पांचवा कौन सा प्रकार बताया है? तर्क क्षमता। छठवां कौन सा प्रकार है? स्मृति क्षमता। आप लोग भी कमेंट करते जाइए कौन कौन सा प्रकार आप लोग को मालूम है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सातवां कौन सा बताया है? प्रत्यक्षणात्मक। ठीक है, चलिए अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। शाब्दिक बुद्धि का मतलब है कि यहाँ पर शब्दों के बारे में उस व्यक्ति को ज्यादा जानकारी होगी जो यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। ओके, शाब्दिक बुद्धि का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थ समझने से है। शब्द का जैसे मान लीजिए कि कनक, कनक दो कनक है, कनक एक भतूरा एक सोना, लेकिन आपको मैटर करता है कि आप किस कनक का अर्थ ले रहे हैं। मतलब हर एक चीज का एक पॉजिटिव टर्म्स होता है, एक निगेटिव होता है। तो आपका ये मैटर करता है कि आप किस शब्द को ज्यादा प्रिफरेंस दे रहे हैं, किस शब्द को ज्यादा अर्थ आप समझ पा रहे हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं शब्द प्रवाह की, वर्ड फ्लुएंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, शब्द प्रवाह का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आपको कभी कभी वाक्य को सेटल करने के लिए दिया जाता है हिंदी में, कि वाक्यों का सही रूप बनाइए, उनको उथल पुथल कर दिया जाता है, ए का बी में, बी का सी में कर दिया जाता है। तो वर्ड फ्लुएंसी एक वर्ड मतलब कि डायरेक्ट आप किस चीज को अर्थ एक दे सकते हो, है ना। जैसे सेंटेंस बहुत सारे बोलते हैं, सेंटेंस अशुद्ध भी वो लोग बोल देते हैं, तो उसका एक सफिशियंट जो मैटर होगा, जो लाइन होगी, जो बात होगा, वो आपका शब्द प्रवाह में आएगा। अगर हम बात करते हैं दैशिक क्षमता या स्थानिक की बात करते हैं, तो ये स्थानिक मैंने आपको कल भी बताया था गार्डनर जी की थ्योरी में, स्थानिक का मतलब दिशाओं से संबंधित होता है ना, क्षेत्रफल से संबंधित हो। जैसे पटवारी लोग क्या करते हैं, दिशाओं को ज्ञान होता है, कहां पर दायां पर कितना जमीन है, बाएं पर कितना किसका जमीन है ना। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर स्थानिक का दैशिक हो जाएगा। आंकिक क्या हो जाएगा यहाँ पर?
आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, नंबर सिस्टम आपको बैठ के कितनी आती है, ये सारी रीजनिंग पावर, आपकी तर्क क्षमता हो जाएगी, आपके पास कितनी रीजनिंग पावर है ये भी मायने करता है। स्मृति का मतलब है यहाँ पर मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी पावर कितनी तेज है कि आप यहाँ पर मतलब कि कितना चीजों को याद कर पाते। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, तो कौन सी चीजें, ऐसा मत करो, फिर प्रत्यक्षात्मक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चीजों को प्रत्यक्ष देख करके इसका डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के तीन प्रकार कौन से हैं? पहला है अमूर्त है, यांत्रिक है, सामाजिक है, और दूसरा है मूर्त अमूर्त सामाजिक है, तीसरा है मूर्त अमूर्त वातावरणीय है, चौथा है मूर्त और यांत्रिक और सामाजिक। तीन प्रकार की बुद्धि की उन्होंने कौन कौन से थॉर्नडाइक जी ने बताए हैं, आंसर सभी को करना है। बहुत अच्छा पढ़ाती रहो, थैंक्स। चलिए फास्ट नहीं जाएंगे भाई, आराम से ले लेंगे, ठीक है, सॉरी अगर फास्ट गई हूं तो सॉरी। चलिए देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहली बुद्धि के प्रकार उन्होंने, पहला नहीं होगा है ना, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। आपको बता देती हूँ कौन कौन से बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताए हैं। मूर्त बुद्धि उन्होंने बताई है थॉर्नडाइक जी ने, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए मूर्त बुद्धि को और किस नाम से जानते हैं, गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, मूर्त बुद्धि को गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, और इसी को यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। आपको बहुत सारी बुकों में अलग अलग आपको चीजें मिल जाएंगी, मूर्त बुद्धि भी मिलेगा आपको, गामक बुद्धि से कहते हैं, इसी को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं अमूर्त बुद्धि की, दूसरी प्रकार कौन सी होती है, अमूर्त, और तीसरी सामाजिक होती है। देखिए तो मूर्त बुद्धि में क्या होता है, या गामक बुद्धि में, यांत्रिक बुद्धि में क्या करता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, मूर्त का मतलब है कि आप जिस चीज को, मैम फास्ट ही रहिए, चलिए भाई, तो आप तो देखिए क्या कह रहा है, मूर्त में क्या कहता है, मूर्त में जिस चीज को आप देख सकते हो, गामा का मतलब यही होता है, यांत्रिक का मतलब जो व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान लीजिए किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास कार है, वो आपकी कार या ट्रैक्टर बिगड़ चुकी है, तो आप क्या करते हो, ले जाते हो किसी मशीनरी में, मतलब किसी मैकेनिकल के पास की भाई इस चीज को ठीक कर दो, तो वो किस बुद्धि से काम कर रहा होता है, उसके पास मूर्त बुद्धि होती है, उसके पास गामक बुद्धि होती है, उसके पास यांत्रिक बुद्धि होती है, उस बुद्धि के अकॉर्डिंग उस चीज को आपका गाड़ी वो ठीक कर पा रहा है। मैम जी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो यार बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से कि आज यहाँ पर क्लास 100+ होनी चाहिए, यार मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए है ना, तो यार इतना तो करो, आप लोग 50+ तो हो इतना मुझे दिख रहा है, लेकिन आप 50 और बढ़ाइए तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी मेहनत करके यहाँ पर आऊंगी, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए, तो अमूर्त बुद्धि में क्या होगा, अमूर्त का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, इसमें बेचकली क्या होता है, जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो मैं बता रही हूँ। अमूर्त बुद्धि में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो मतलब कहने चाहिए कि इसमें बेसिकली कौन से बुद्धि वाले लोग पाए जाते हैं, इसमें जैसे पुस्तकी अर्जन वाले जो ज्यादा पढ़ करते, जैसे मान लीजिए कि आप थ्योरम को प्रूफ कर रहे हो, वही थ्योरम आप थ्योरम प्रमेय को प्रूफ कर रहे हो, तो थ्योरम प्रमेय को वही व्यक्ति प्रूफ कर पाएगा जो पढ़ा होगा, जो किताबों का अर्जन किया होगा, जो किताबों को अनुभव से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, ठीक है। सभी लोग शेयर कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा अमूर्त हो जाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की, जो व्यक्ति जितना व्यवहारिक होगा, जितना ज्यादा सामाजिक होगा, उसको वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रिफेयर करते जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक आपका तीनों प्रकार का मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, अगर थोड़ी सी भी आपको शंका रह गई हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपका ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, तो बस इतना ही कृपा कीजिए कि आप लोग शेयर कर दीजिए और आज आप 100+ रखिए, 50 आप लोग हैं, 100+ भाई आज होने चाहिए है ना, सभी लोग जोर लगा दीजिए और 100+ रखिए आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि अंतर्मुखी या अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। दूसरा क्या कहता है, वह पाठ सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। तीसरा है एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। चौथा होता है, ये सभी आंसर करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बेटर होगा अंतर्मुखी बालक के लिए। चलिए आंसर कीजिएगा सभी लोग, मैं आपको इसको डिटेल बता दूंगी तो ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है भाई, ओके।
चलिए तो देखिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी। आप सभी जानते हैं कि युंग ने व्यक्तित्व के बारे में बात की है। कौन बात किया? युंग, युंग जी बात किए हैं। तो उन्होंने व्यक्तित्व को दो प्रकार बेसिकली बताए, एक अंतर्मुखी दूसरा बहिर्मुखी। ठीक है, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो अपने बारे में सिर्फ सोचता है, संकोची प्रवृत्ति का होता है, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता, अकेले रहना है ना, एकांत में रहना वो पसंद करता है। तो आपका तो यहाँ पर एकांत में रहकर ऑप्शन मिल गया, कम बातचीत करने वाला होता, ऑप्शन सी आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति की, क्योंकि हम दोनों प्रकार डिफाइन कर लेंगे तो हमें आने वाले एग्जाम के लिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। बहिर्मुखी की हम बात करते हैं, बहिर्मुखी वो व्यक्ति होता है, वो बंदा होता है जो समाज के बारे में, अपने बारे में, सभी के बारे में लेकर के सोचता है, वो कौन सा कहलाता है? बहिर्मुखी वो कहलाता है। अब तीसरा प्रकार भी मनोवैज्ञानिकों ने लेकर के आया है, उभयमुखी, जो इन दोनों क्वालिटी पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं वो समाज में बैठना पसंद नहीं करते, कुछ भी हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा रीजन हो, वो अपने शब्दों को बयान ना कर पाते हो, लोगों को बैठने का मन समाज में उनका भी करता हो। तो दोनों व्यक्ति में ऐसा माना गया है साइकोलॉजिस्ट का कि दोनों व्यक्ति में जो पाई जाती है बुद्धि उनको उभयमुखी बुद्धि कहा जाता है। अभी कुछ कहा नहीं गया है कि आगे क्या रिसर्च चल रहा है उभयमुखी में। ठीक है, युग का सिर्फ दो ही प्रकार बेसिकली है, अगर क्वेश्चन बनता है तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आपको आंसर करना है। तो क्लियर हुआ भाई सभी को? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। एक बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष है, एक बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष है एवं वास्तविक आयु क्या है? 5 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110 होगी, 100 होगी, 140 होगी या 83 होगी? सभी को आंसर करके बताना है। चलिए और उत्तर को रेखांकित कर देते हैं भाई, ऑप्शन सी आपका होगा। ठीक है, चलिए हम हाईलाइट भी कर देते हैं आपको, ये लीजिए, ये आपका हाईलाइट हो गया है, ऑप्शन सी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आप सभी को मालूम है आईक्यू पावर निकालने का है ना, बुद्धिलब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एमए अपॉन सीए इनटू 100 होता है ना। मेंटल आयु, मेंटल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो मेंटल आयु कहां कितनी, मानसिक आयु कितनी है? 7 वर्ष बच्चे की है। क्रोनोलॉजिकल आयु कितनी है? 5 वर्ष है। इंटू 100 तो आप कर दोगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, 140 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। सभी को क्लियर हुआ? गर्डन सभी का सी 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 कमेंट लगातार आ रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है, मुझे भी बहुत खुशी होती है आप सभी के बीच रहने में, काम करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो पढ़ने का हमें मेहनत करने में कोई बुराई नहीं होती है, अच्छा लगता है। ठीक है भाई, चलिए बस अब आप सभी का साथ जरूर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि वह शक्ति ज्यादा स्पीड में अगर चल रही होंगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसके अनुसार है? रायबर्ड के अनुसार, विनय के अनुसार, कर्मण के अनुसार या फिर बुडरो के अनुसार? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि वह शक्ति है जो, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती है उसका आपको समाधान करना है, तो उनका उद्देश्य को प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, भाई हम किस इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं, ये आपके पास बुद्धि अगर है तो ये क्षमता अगर आपके पास है तो ये किसके अनुसार है, किसने ये डेफिनेशन दी है? पहला है रायबर्ड है, रायबर्ड होगा, विनय होगा, कर्मण होगा या फिर बुडरो होगा। तो विनय में तो हमने जस्ट पहले देखा कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है, ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी है। अगर हम रायबर्ड की बात करते हैं कर्मण या बुडरो की, तो किसका ऑप्शन होगा? बिल्कुल आप लोग ए ए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए तो देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ये टर्मन जी का होगा। ये किसका कहना है? टर्मन जी का कहना है। टर्मन जी क्या कहते हैं कि बुद्धि वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्या कहते हैं टर्मन? कि जो समस्या को आप थोड़ा सा ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा याद करने में। आप नोट भी कर लीजिएगा इस चीज को। मैम सेफ नहीं है,
देखिए तरवन जी क्या कहते हैं कि जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देता है, ये तरवन जी के अनुसार बुद्धि का डेफिनेशन है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं किसकी, बुडरो की, बुडरो भी जो डेफिनेशन देते हैं वो भी कुछ समथिंग ऐसे ही देते हैं, ठीक है। बुडरो क्या कहते हैं, पहले अराइवल की जान लेते हैं, चूंकि अराइवल की डेफिनेशन और यहाँ पर तरवन की डेफिनेशन थोड़ा मिलती जुलती है तो आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर ईमानदारी से बताओ करने लायक, हाँ जर्मन खोजदान। देखिए रायबंध क्या कहते हैं, रायबंध का भी यही कहना है कि बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि ये शायद इसमें जर्मन ही होगा। चलिए यहां पर हम बुडरो जी की जान लेते हैं क्योंकि क्लियर इसमें आ नहीं रहा है, तो बुडरो जी का क्या हो जाएगा, बुद्धि ज्ञान के अर्जन करने की क्षमता होती है। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होती है। ये कौन बात करता है, ये आपके बुडरो जी कहते हैं। कौन कहता है ये बात, ये बात बुडरो जी कहते हैं। ध्यान से आप लोग दीजिएगा, ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा, बुडरो जी क्या कहते हैं। अब रायबंध क्या कहते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, ये आपके यहां पर सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, सॉरी टर्मन नहीं होगा, यहाँ पर रायबर्न होगा। ये रायबर्न जी ये डेफिनेशन देते हैं कि बुद्धि कौन सी शक्ति होती है जो हमको समस्या और समाधान करने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये रायबर्न होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, सो सॉरी ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर आंसर रायबर्न होगा। ये डेफिनेशन टर्मन ने नहीं दी है, ये डेफिनेशन रायबर्न दी है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को। टर्मन की जो डेफिनेशन मैं आपको वो भी बता देती हूँ, टर्मन की क्या डेफिनेशन है, टर्मन की डेफिनेशन है कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि अमूर्त अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नोट कर लीजिएगा, सो सॉरी, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। रायबंध जी ने पहली डेफिनेशन जो दिया है वो दिए हैं। अगर आपके हम टर्मन की बात करते हैं तो मैंने बता दिया आपको कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है, ये टर्मन जी ने दिया है। बिने की मैंने चार प्रकार की बुद्धि की बता ही दी है, बुडरो की बताई है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता होती है। तो सभी को क्लियर हुआ भाई। चलिए कभी कभी हो जाता है, मैम नोट कर रहे हैं, चलिए ओके, नोट कर लिया है आप सभी ने, यार आप लोग लाइव 56 हैं, लाइव की संख्या अभी भी कम है पहली बात, और दूसरी बात आज का हमारा टारगेट 100 प्लस है भाई, है ना, इतना तो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी इलेक्शन के बारे में देख रहे हैं जहां भी है सभी को खींच लाइए और उनको पढ़ाई करवाइए, ठीक है, ये कोविड में यहाँ पर न्यूज देखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर काम चलेगा तो अपनी पढ़ाई से, ठीक है। चलिए तो बेशक आप सभी को आंसर मिल चुका है, रायबंध इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। आपकी कक्षा में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। एक कोई बच्चा है जो बार बार परेशान करता है टीचर को या किसी को परेशान करता है, ऐसे कुछ सवाल पूछता है कि फालतू सवाल करता है, तो उस बच्चे को आप क्या करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत कर देंगे या उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, सभी लोग बताएं। क्या क्लियर करना है गौसिया जी, क्या क्लियर करना, देख लीजिए एक बार, यहां पर रायबंध की ये जो डेफिनेशन है, हमने जो डेफिनेशन बताई है ये रायबंध जी की है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूं, आप लोग इस चीज को नोट कर पाओगे। या फिर रायबंध जी की यह डेफिनेशन है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा नौवे का। बिने जी ने बुद्धि चार शब्दों में निहित है ना, ये मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया है, ठीक है।
कर्मण जी ने बात क्या करते हैं कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता होती है। ये बात कौन करते हैं? ये कर्मण जी करते हैं। और टर्मन जी क्या करते हैं, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है, टर्मन जी कहते हैं अमूर्त विचारों के बारे में। बुड्रो क्या कहते हैं? ज्ञान अर्जन की बात करते हैं। रायवर समस्या समाधान की बात करते हैं। तो अब क्लियर हो गया, सी ऑल द राइट मैम। चलिए हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? राइट ऑप्शन बिल्कुल, प्रधानाचार्य शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे को संभाल, इतनी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए कि बच्चे को आप संभाल पाओ, है ना। हर बार आप प्रधानाचार्य शिकायत करने चल दोगे तो फिर आने वाले भविष्य के लिए क्या होगा? अभी तो एक शिक्षक ही हो ना मैम। पेन चेंज नहीं हो रहा बेटा, क्या पता कलर ही नहीं चेंज हो रहा। उसे डांटेंगे? नहीं डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, बेटा सही बात है। किसी को भी प्रॉब्लम है भाई, क्या पता क्यों ऐसे बिहेव कर रहा बच्चा, शायद हो सकता है मेंटली वो परेशान हो, तो उससे आप बातचीत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है तो एज ए फ्रेंड आपको जरूर बताएगा, ठीक है। ओके मैम मैं आ गया। उसके माता पिता से शिकायत करने, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जानने से पहले, ये डीजीटी पीजीटी का ऑफर चल रहा है 4 मई तक, ये ऑफर आप लोग जल्दी ही प्राप्त कर लीजिए। आपको फीस थोड़ी फीस रखी गई है 1000 रुपए, जिसमें साहित्य का संपूर्ण कोर्स, अगर आप कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लास कम मिलेगी, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास चलती है, डेली क्लास चल रही है, तो आप जाइए और ज्वाइन कीजिए क्लास को। और यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर आपको समथिंग दिए हैं इतने रेंज में, यहाँ पर इस नंबर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखिएगा। अभी क्षमता का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ? अभी क्षमता, इंग्लिश में अभी क्षमता को क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है भाई। ये आपका अभी क्षमता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग होता है, अच्छी आदतों का समूह होता है, अनुशासनहीन बने होने की जिद होता है, या मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य होता है। आंसर करेंगे क्या होगा? राइट ऑप्शन चलिए आंसर कीजिए। अब देखिए एप्टीट्यूड का मतलब एक एटीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है आपका? वो आपकी मनोवृत्ति कहलाती है। एटीट्यूड जो होता है वो आपका क्या कहलाती है? मनोवृत्ति। देखिए एटीट्यूड का जैसे कि अपना अपना एक एटीट्यूड होता है, सबका नजरिया होता है, बोलने का, बताने का, चलने का, बात करने का, सबका अपना क्या होता है? एक एटीट्यूड होता है ना, अलग, चाहे उसको आप पैटर्न मान लीजिए या फिर उनका खुद का सेल्फ एटीट्यूड मान लीजिए। और एक होता है एप्टीट्यूड, जैसे पीएससी में, यूपीएससी में, हर एक एग्जाम में एप्टीट्यूड से रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन लिए जाते हैं। उसमें क्या देखा जाता है? बेसिकली उसमें आपका रीजनिंग पावर देखा जाता है कि आप में क्या विशेष योग्यता है जो आप इस एग्जाम में यहाँ पर बैठने जा रहे हो। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल बहुत सारे साथियों का आ भी रहा है आंसर, व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग, इसमें कुछ क्वालिटी होती है, अभी क्षमता में कुछ विशेष योग्यता होती है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। अच्छी आदतों का समूह नहीं होगा, जिद नहीं होगा, मूल प्रवृत्तियों का अधिक नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कि सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन के द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि में होता है? मूर्त बुद्धि में, अमूर्त बुद्धि में, सामाजिक में होता है, या फिर यांत्रिक में? सूक्ष्म समस्याएं यानी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, चिंतन मनन, थॉट करके उसको मनन करके हल करने का जो कार्य होता है, ये किस प्रकार के वाले बुद्धि लोग वाले करते हैं? जिस लड़की का चलिए क्या होगा आंसर यहाँ पर? अमूर्त बुद्धि होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अमूर्त बुद्धि वाले क्या करते हैं? ये पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो हमारा बेशक यहाँ पर क्योंकि अगर हम मूर्त बुद्धि की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या करते हैं, जैसे किसी मैकेनिकल के पास आप लेकर के कुछ, मान लीजिए ट्रैक्टर है, कार है, बिगड़ गया है, तो किसी मैकेनिक के पास आप लेकर के गए हो, तो मैकेनिक जरूरी नहीं वो सीख भी सकता है, मैकेनिकल का काम वो सीख भी सकता है, जरूरी नहीं कि उसने आईटीआई करके ही, पॉलिटेक्निक करके ही वो वहां पर गया हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से आता रहा हो काम, तो सीख करके, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर अर्जन जरूरी हो, यहाँ पर पढ़ना जरूरी हो। लेकिन अमूर्त में वही बुद्धि, वही व्यक्ति काम कर सकता है
जिसने किताब से पढ़ाई किया हो, अनुभव लिया हो, विचार किया हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों में सीखने एवं सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? पहला, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। दूसरा है निरंतर गृहकार देते रहना। तीसरा है सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। चौथा है विद्यार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। भाई आंसर दीजिए, मैं पानी पी लेती हूं। क्या हो जाएगा यहां पर राइट ऑप्शन? यहां पर बच्चों में सीखने एवं सुनने के लिए अधिगम योग, बच्चे सीख भी सके, बच्चे सुन भी सके, ऐसा माहौल बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा? देखिए, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं होगा, निरंतर होमवर्क देंगे तो भी सही नहीं है, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना यह भी सही नहीं है, विद्यार्थियों को कुछ ऐसा छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यहां पर ऑप्शन पॉजिटिव है। क्योंकि बच्चे पर आपने डिपेंड कर दिया है तो बिल्कुल ऑप्शन होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार तो हैं। 10 का एक बार और बताएं। दस का आंसर यहां पर कौन बार बार कर रहा है? 10 का उससे बातचीत करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 का जो आंसर है, जो कमेंट है आपका भाई, किसका है वो? बातचीत करना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 का। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान देकर पढ़ा करिए, ठीक है, क्लास में ध्यान रखा करिए तो सारी चीजें समझ में आएगी क्या बता रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापन के समय, देखिए ये आपका मूल्यवान समय है। अगर आप चाहेंगे, आपके पेरेंट्स आपको देखने नहीं आते कि आप यहाँ पर सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कमेंट देख रहे हैं या खुद कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो समय अगर दे रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो अगर आपके पास इतना समय है तो बिल्कुल ऐसे समय दीजिए कि फिर उसमें से कुछ सीख करके जाएं, है ना, अपना नुकसान करके ना जाएं कि अपने समय को गवाएं और निकल जाएं यहां से। मैं ऐसा बिल्कुल किसी बच्चे के साथ होने नहीं दूंगी। देखिए, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय ये मान लीजिए टीचिंग करते समय हर टीचर को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, अब विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। आंसर कीजिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। चलिए आंसर करेंगे क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो देखिए, अध्यापन के समय हर एक टीचर को क्या ध्यान रखना, विषय वस्तु को ध्यान तो रखना ही चाहिए, आयु भी रखना चाहिए और पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा बहुत रखना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत, ये सारी चीजें व्यक्तिगत भिन्नता में आ जाती हैं कि बच्चा कौन सी एज का है, दूसरा बच्चा किस एज का है, बच्चा किस पृष्ठभूमि से आया, अगला बच्चा, सामने वाला बच्चा किस पृष्ठभूमि से आया है, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि इन सारी चीजों को आप जान करके बच्चे को अलग थलग करो। उसका रीजन इसलिए टीचर को जानना जरूरी है कि बच्चे को आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ा पाओ, टीच कर पाओ, ठीक है, इसलिए टीचर को जानना जरूरी है। बाकी उसका गलत मतलब निकालने के लिए टीचर को जाना नहीं है, उसका मजाक उड़वाए या फिर कुछ और काम, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक व्यक्ति एक जैसे नहीं होता, इसलिए हर एक व्यक्ति का जानना जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको पढ़ाने के लिए इसलिए जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बुद्धि की विशेषता नहीं है, इंटेलिजेंसी की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला, बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा है, लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। बुद्धि का विकास वातावरण में होता है। बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। बताएंगे बुद्धि की विशेषता कौन सा ऑप्शन नहीं है? कम से कम आप लोग 80 तो जाइए, 100 तो नहीं गए आप लोग, कम से कम 80 तो जाइए, आप लोग 60 में अटके हुए हैं, है ना? और भी लोगों को जोड़िए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ये क्लास में कंटिन्यू रख पाऊं, ठीक है। अगर आपका अच्छा यहाँ पर मतलब कि रिस्पांस रहेगा तभी क्लासेस कंटिन्यू हो पाएंगी। आप सभी को मालूम है कि हमें कोई यहाँ से मतलब फायदा नहीं है, सिर्फ क्लास दूर तक जाएगी, बस यही हमारे लिए है, ठीक है। चलिए, जो सर का प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी के लिए, है ना।
चलिए देखिए क्या कहा, बुद्धि की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ये नहीं है। या फिर बुद्धि का विकास वातावरण में होता है, ये नहीं है। या फिर बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर है, या फिर लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, क्या है? बिल्कुल बी बी सभी के आंसर आ रहे हैं, तो बेहतर बी ऑप्शन ही होगा। चूंकि लिंग के आधार पर बुद्धि पर भेद होता है, ये सही ऑप्शन नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की, आज चांद पर लड़का भी गया है और लड़की भी गई है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सभी आप सभी नाम से परिचित होंगे, बताने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा कोई भेदभाव अब नहीं रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि डॉट डॉट है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित के श्रेणी में रखते हैं, 70 से कम रखते हैं, 70 से ऊपर रखते हैं, 70 और 100 के बीच रखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे जिन बालकों की बुद्धिलब्धि डॉट डॉट है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। किस मानसिक श्रेणी में रखते हैं? 70 से कम वाले में रखते हैं, या फिर 70 से ऊपर वाले में, 80 और 100 के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन बालकों में क्या होता है, मानसिक न्यूनता ग्रसित होते हैं जो बालक। चलिए आंसर करेंगे एक बार आप लोग, कॉन्सेप्ट में इसका बता देती हूँ आप सभी को, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो कॉपी पेन अगर रखे हैं तो देखिए, पहला सबसे पहले हम जान लेते हैं यहां से 70 से कम, अगर 70 से कम किसी की बुद्धिलब्धि है, आईक्यू है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो आपका मूर्ख कहलाएगा, ठीक है, इडियट। दूसरा क्या है, दूसरा हम जान लेते हैं 70 से कम अगर है, 70 से 79 है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षीण बुद्धि कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा, वो क्षीण बुद्धि का व्यक्ति कहलाएगा 70 से 79 के बीच, ठीक है। तीसरा है 80 से 89 के बीच वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? पिछड़ी हुई बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। चौथा क्या होगा यहां पर, 90 से 109 तक वाले बुद्धि वाले क्या कहलाएंगे? सामान्य बुद्धि। पांचवा 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। छठवा है 120 से 139 तक क्या कहलाएंगे? अतिश्रेष्ठ, या फिर इसी को अति प्रखर भी कह सकते हैं, ठीक है। सातवां है 140 से अधिक वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है, एक बार। चलिए तो अगर 70 से कम में जाएंगे तो वहां भी यही सब आएगा, मूर्ख ही कहलाएगा, तो ठीक है, 70 से कम में मूर्ख कहलाएगा, 70 से 79 यहाँ पर क्षीण बुद्धि कहलाएगा। बाकी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हम सब दिखा दीजिए आप सभी लोग। ले लिए हैं, ओके। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार कमेंट मत कीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर सही है या सही हो सकता है, आंसर कौन सा है? सभी लोग बताएं। पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा कि ये सही बात है, पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए होगा, या फिर बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा।
देखिए ऑप्शन ए होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जब भी बात लड़के और लड़की को अलग अलग बताई जाएगी वो हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह में आएगा, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा आज का, कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित कर देंगे, उसके उसे अतिरिक्त गृहकार नहीं देंगे, या फिर वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। एक छात्र बुद्धिमान है तो आप देख रहे हैं कि एक छात्र कोई बुद्धिमान है तो उसे आप क्या करेंगे एज ए टीचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप एज ए टीचर ले लीजिए, है ना, आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देखिए सभी लोग, उसके अभिभावक को सूचित कर देंगे कि भाई आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, ये होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसे अतिरिक्त गृहकार नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है, है ना, रिश्तेदार बनाकर रख देंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, नहीं ये भी बात नहीं है, ज्ञान अनंत होता है, ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ सीख लिया आपको सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्लियर होगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे और भी ज्यादा उसको बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा ऐसा बुद्धि के बारे में यहाँ पर ऑप्शन है जो सही नहीं है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। और रात्रि की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, रात्रि की क्लास जो रहती है 8 बजे हिंदी व्याकरण की वो कोई मिस नहीं करेगा, 9 बजे साहित्य की क्लास रहती है, और डेली आपकी सीडीपी की क्लास 11 बजे चलती है, सभी जिसके लिए भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में है, चैप्टर डेवलपमेंट है, तो सारे चैप्टर यहाँ पर हम करेंगे, विद कॉन्सेप्ट करेंगे, तो क्लास में जुड़ना बिल्कुल कोई भी ना भूला करेगा, और अपने सभी को मित्रों को सूचित कर दीजिए, ठीक है भाई। चलिए आंसर करेंगे कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर भी ऑप्शन, ये क्वेश्चन कल भी हमने लिया था, यह क्या होता है अस्थायी होती है और ये परिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तन नहीं अस्थायी के मतलब कि बदलती रहे, जरूरी नहीं कि आज आपका 40 का लेवल है तो कल आपका 40 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ, कौन से वंचित समूहों के विद्यार्थियों को किसके साथ सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है, समावेशी शिक्षा से है, विशेष शिक्षा से है, एकीकृत शिक्षा से है, या फिर अपवर्जक शिक्षा से है। आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना है तो इसका क्या अभिप्राय होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, विशेष शिक्षा होगा, एकीकृत शिक्षा होगा, अपवर्जक होगा। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बहुत सारे साथियों को ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बहरहाल जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंग्लिश में से क्या कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा समावेशी शिक्षा, इसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, ठीक है, चाहे वंचित समूह से हो चाहे सामान्य बच्चे हो, तो जो सभी में इंक्लूड करके रखा जाता है उसको क्या है समावेशी कक्षा, और अब जो एनसीएफ 2005 कहता है वो बच्चों को हमें एनसीएफ के तहत समावेशी कक्षा में रखना होता है बच्चों को। तो चलिए आप सभी इस नंबर पर जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स रहते हैं कोर्स को लेकर के, साहित्य का कोर्स कैसे लेना, पूरी हिंदी डिटेल में कैसे पढ़नी है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं सर से, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस से, और आपका ट्विटर भी है और फेसबुक भी है और यहाँ पर टेलीग्राम भी है, ठीक है भाई। ओके तो क्लास आपको डेली इसी समय पर सीडीपी की मिलेगी और रात्रि की क्लास आपको 8 बजे मिलेगी हिंदी व्याकरण की। तो सेल्फ स्टडी को अगर आपने चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप काम यही कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, और सेल्फ स्टडी के साथ क्लासेस पर जुड़े रहिए और डेली और ऐप का भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजों का विस्तार मिल सके। तो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास में अपना यहाँ पर सजेशन देकर के जरूर जाइएगा, और जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक करके जरूर जाएंगे, ठीक है भाई।
ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।